गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नई लेसन, और उस लेसन में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कुछ नई प्रकार के अक्षरों को, जो वैसे तो आप उसको व्यंजन वर्ण में पढ़ चुके हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र। इन सब शब्दों को कहते हैं संयुक्त अक्षर, ओके, जो दो अलग अलग अक्षर को जोड़ के बनाया। जैसे हुआ आपका है छ है तो क और श, छ। त्र है तो त्र त प्लस र, त हलन प्लस र, त्र। उसमें दो उच्चारण होते हैं, जैसे क ख ग, उसमें एक आवाज होता है, लेकिन अक्षर त्र ग्य गीय स्र स्र स र, तो उस तरह से अलग अलग क्या होते हैं प्रकार के अक्षरों के उच्चारण होने से उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग अब पढ़ेंगे, आप लोगों ने अब तक तो सभी मात्रा वाले शब्द पढ़ चुके हैं चंद्रबिंदु तक, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अलग किस्म के स्पेलिंग्स। वो है जो संयुक्त अक्षर होते हैं, वो होते हैं वो शब्द जिसके नीचे हलंत लगा हुआ, और उसको किसी और दूसरे अक्षर से जोड़े तो हम लोगों को जब उच्चारण करते हैं तो वो पहला वाला शब्द का उच्चारण पूरा नहीं होता है, उसका उच्चारण आधा हो जाता है, ओके। तो उस इसमें हम आपको कुछ शब्द लिखे हैं, वो शब्द आपको पढ़ के सुनाते हैं और बताते हैं यह क्या है। इसमें एक प्रकार का शब्द है जो दो अलग अलग अक्षर को जोड़ के बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यही पर देख सकते हैं, नंबर ए में है ये प, देख रहे हैं आप लोग, प जो पूरा नहीं है, ये आधा ही है, और इसको यहाँ जोड़ा गया है य के साथ में। तो इस तरह से यह आधा आधा जो भी शब्द आप देख रहे हैं, यह च है वर्ड, च पूरा नहीं है, न पूरा नहीं है, या प है या क है या छ है च है त है, तो ये अलग 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 इस तरह के अक्षर को दूसरे अक्षर से जब आप जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण हम लोग आधा करते हैं। यहाँ पे प य संयुक्त आकर ज, प्याज नहीं बोलते, क्योंकि प का उच्चारण क्या हो जाएगा, वो आधी हो जाएगी, इसलिए ये बनता है प्यार, प य संयुक्त आकर प्यार, ज प्यार। उसी तरह से य संयुक्त कहते हैं, उसे उच्चारण करते वक्त आप किस तरह से पढ़ेंगे, आ की मात्रा, रस ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, चंद्र बिंदु, उस तरह से पढ़े थे, अब आप पढ़ेंगे प य संयुक्त आकर ज, ओके, प्याज ज प्याज, प य संयुक्त आकर र, प्याज नहीं हो गई प्यार। उसी तरह से अ च छ संयुक्त आकर, अच्छा नहीं होता, ये क्या हो जाएगा, च की उच्चारण छोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अच्छा। उसी तरह से नंबर फोर में है न, न संयुक्त ह आकर, तो ये पहली वाली न पूरा पढ़ेंगे न, दूसरी वाली न पूरी नहीं पढ़ेंगे, उसे आधा ही बोला उच्चारण करेंगे, और हा न न हा नहीं नन्हा, न एकदम छोटी नन्हा। नंबर फाइव है प य संयुक्त आकर स, प्यास। नंबर सिक्स व क त संयुक्त वक्त। नंबर सेवन म क ख संयुक्त ई, मक्खी, क्योंकि यदि गई की मात्रा है इसे आपको ई लंबा खींचना। नंबर एट ये रस उ है कि दीर्घ, रस उ, सो इसे छोटी गु, च छ संयुक्त आकर गुच्छा,
तो यह हो गया च गुच्छा नहीं गुच्छा। उसी तरह से नंबर एक है म च छ संयुग र, तो मच्छर नहीं हुआ, ये क्या हुआ मच्छर, च की उच्चारण छोटी मच्छर। उसी तरह से नंबर टेन में है प त थ संयुग र, पत्थर नहीं, ये बना पत्थर, इसे हम लोग छोटा और तुरंत इसे प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो इसी तरह से आप इसे बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, आपको इसकी डिफरेंस पता चलेगा। अगर हम लोग प या आकर ज लिखेंगे तो प्याज हो जाएगा, क्योंकि प का उच्चारण पूरा हो जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसकी उच्चारण छोटी करते हैं। सो ये क्या हो जाता है प्याज, प्यार, पत्थर, ठीक है। सो उसी तरह से आज फिर एक बार चलो हम लोग फिर से इसे दोबारा पढ़ते हैं। प या संयुग आकर ज प्याज, प प्याज, व्हाट इज प्याज, यस ऑनियन। प या संयुग आकर र प्यार, प्यार इज लव। अ च छ संयुग आकर अच्छा, अच्छा इज गुड। न न आ नन्हा, नन्हा इज छोटा, लिटल स्मॉल। नंबर फाइव पया संयुग आकर स प्यास, प्यास इज प्यास, पानी की प्यास लगती है, आप लोग जब प्यास लगता है तो पानी पीते हो, व्हाट इज दैट प्यास, प्यास इज थर्स्ट, टू फील थर्स्टी, प्यासी, प्यासा, ओके। सो प्यास इज थर्स्ट। नंबर सिक्स एंड वक त संयुग, वक्त, वक्त इज समय, टाइम। नंबर सेवन है म क ख संयुग ई, मक्खी, व्हाट इज मक्खी, मक्खी इज फ्लाई, ओके। नंबर एट गु च छ संयुग आकर गुच्छा, गुच्छा इज बंच, अंगूर का गुच्छा हुआ, चाबी का गुच्छा, बंच, ओके। नंबर एट म च छ संयुग र मच्छर, मच्छर तो आप लोग सब कोई जानते हैं, मच्छर क्या है मॉस्किटो, यस। नंबर टेन प त थ संयुग र पत्थर, पत्थर इज स्टोन, यस। तो अब ये था संयुक्त अक्षर, जो दो अलग अलग अक्षर को जोड़ के बनाया गया। ये प किसके साथ जोड़ा गया है, य के साथ, यहाँ भी प य के साथ, ये च है तो ये छ है, ये अलग अलग लेटर्स है, ओके। क और त, ख और क, क और ख, च और छ, अच्छ च अच्छ, त और थ। तो ये जो अलग अलग के अक्षर है, इनको जब जोड़ा जाता है तो वो होता है संयुक्ताक्षर। अब दूसरा और एक होता है जो है सेम लेटर्स का जोड़ना, ओके। जैसे एप्पल में ए पी पी एल ई, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है पी एंड पी वी राइट फुल, इजैक्टली पी को आधा नहीं लिखते हैं, लेकिन हिंदी में उसी तरह से अगर दो सेम लेटर्स होता है तो उसको भी हम लोग जोड़ते हैं, और दो सेम लेटर्स को जब जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन, द्वित्व, द्वित्व मीन्स दो सेम व्यंजन, ओके, नॉट डिफरेंट व्यंजन, डोंट गेट कंफ्यूज। दो अलग अलग अक्षर को जोड़ा तो बन गया संयुक्ताक्षर, दो सेम लेटर्स को जोड़ा गया तो बन गया द्वित्व, ओके। सो द्वित्व में क्या है वो हम दिखाते हैं आपको। नंबर वन में है च म म च संयुग च, तो क्या हुआ चम्मच, मम, ओके, च म म च, चम्मच नहीं बोले, च म म च नहीं, चम्मच। सो यहाँ कौन सा सेम लेटर है, दिस म एंड म, समझ में आया, द्वित्व इज सेम अक्षर लेकिन दोबारा जोड़ के लिखना, यहाँ पे है म एंड म सेम लेटर्स, ओके, चम्मच। नंबर टू है ल
स स ई, तो यहाँ कौन सा सेम ग्रेटर है, स स, तो यह बन गया आपका ल स स ई लस्सी। नंबर फोर थ्री है बी ल ल संजू ई, तो यहाँ कौन सा सेम है ल ल संजू, तो यह हुआ बिल्ली। ओके नंबर फोर प क क संजू आ पक्का, तो यहाँ सेम लेटर्स है क एंड क। उसी तरह से नंबर फाइव में है म म संजू ई मम्मी, तो यहाँ सेम लेटर्स है म आगे म और यह पूरी म। उसी तरह से नंबर सिक्स में है ग न न संजू आ गन्ना, सो यहाँ सेम लेटर्स है न एंड आदि न एंड दिस पूरी न। उसी तरह से नंबर सेवन में है क च च संजू आ कच्चा, च और च सेम। ओके नंबर एट में है ब च च संजू आ बच्चा, सो हियर आल्सो च एंड च दे आर सेम, लेकिन यहाँ च आधा है और यहाँ च पूरी च। उसी तरह से नंबर नाइन में देखिए ढ क क संजुक न ढक्कन, सो यहाँ सेम लेटर क्या है आधी क और यह पूरी क। उसी तरह से नंबर टेन में है र स स ई रस्सी, तो यहाँ सेम लेटर कौन सा है आधी स और ये पूरी स। सो द्वित्व व्यंजन क्या है जिसमें दो लेटर सेम लेटर्स जोड़ के बनता है, तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। ओके दो सेम लेटर्स नॉट डिफरेंट लेटर्स सेम लेटर्स। चलो एक बार फिर से हम पढ़ के दिखाते हैं आपको। नंबर वन च म म संजु च चम्मच, यहाँ म आदि म और पूरी म। उसी तरह से नंबर टू है ल व्हाट इज चम्मच स्पून, यस ल स स ई लस्सी, लस्सी क्या है ड्रिंक है जूस है जो दही और पानी मिला के ठंडाई पीते हैं हम लोग, उसे कहते हैं लस्सी। नंबर फोर थ्री है बी ल ल ई बिल्ली, बिल्ली इज कैट। नंबर फोर है प क क आ पक्का, पक्का होता है एकदम मजबूत कॉन्क्रीट। ओके पका पका हुआ इज राइपन, ये पक्का और पका इज टू डिफरेंट वर्ड्स, डोंट गेट कंफ्यूज। नंबर फाइव है म म संजू म म म संजू ई मम्मी, मम्मी तो आप लोग सबको मालूम है मम्मी मदर। नंबर सिक्स ग न न संजू आक गन्ना, गन्ना किसे कहते हैं गन्ना इज शुगर कैन, उसे गन्ना को हम लोग ईख भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नंबर सेवन क च च संजू आक कच्चा, कच्चा इज रॉ जो पका नहीं हो, ओके दैट इज कच्चा जो उतना मजबूत नहीं हो, ओके कच्चा। नंबर एट ब च च संजू आक बच्चा, आप लोग सब क्या हो बच्चे हो बच्चा हो छोटा, ओके चाय। नंबर नाइन ढ क क न ढक्कन, ढक्कन इज अ लीड, बर्तन में ऊपर से ढक्कन होता है, पेन है तो पेन का ऊपर से ढक्कन होता है लीड, ओके सो उसे कहते हैं ढक्कन। उसी तरह से नंबर टेन में है र स स ई रस्सी, रस्सी इज अ रोप, सो ये हुआ आपका द्वित्व व्यंजन। सो बच्चों डोंट गेट कंफ्यूज, संयुक्त अक्षर है दो अलग अलग अक्षर जोड़ना और शब्द बनाना, तो वो बन गया संयुक्त अक्षर वाले शब्द। दो सेम अक्षर को जोड़ के बनता है आपका द्वित्व व्यंजन। ओके सो आप ये सब अपनी कॉपी पे लिखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। स्पेलिंग उच्चारण, आपको उच्चारण नहीं आता हो घर में आपको पढ़ाने वाला अगर कोई नहीं हो, मम्मी पापा सब कोई अपनी ड्यूटी पे गए हो, तो आप
इस वीडियो को सुनिए बार बार और फिर अच्छी तरह से उसे प्रैक्टिस कीजिए उच्चारण करने का, क्योंकि आप जैसा प्रोनाउंस करोगे, जैसा उच्चारण करोगे, आप वैसा ही लिख पाओगे। आप गलत उच्चारण करोगे तो आपका स्पेलिंग भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए बी केयरफुल। नाउ कॉपी ऑल दिस नाइसली इन योर कॉपी, राइट नाइसली। और हाँ बच्चों, बार बार पेरेंट्स यही बोलते हैं कि आप लोग बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, दिन भर कोई आपको पढ़ने के लिए नहीं कहता है। सुबह 2 घंटे, बस 2 घंटे का टाइम दीजिए, सुबह 2 घंटे पढ़िए और शाम को 6 to 7 1 घंटा बस। क्लास 1 2 के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग बस इस 2-2 घंटे में आप 1 घंटा क्या कीजिए, पूरा जो आपको असाइनमेंट मिला हुआ है उसे आप लिखिए और नेक्स्ट 1 आवर यू स्टडी। अगर उतना भी नहीं हुआ तो सुबह आप लिखिए और शाम को आप उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, लेकिन दिन में सुबह और एक शाम को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी आप अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे चलकर परीक्षा के टाइम में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, पढ़ेंगे या आप लिखेंगे। इसलिए आप अभी अच्छी तरह से लिखिए, ये मत सोचिए कि मैम बार बार पढ़ने के लिए बोलती है, कि मैं आप लोगों के फायदे के लिए बोल रही हूँ। आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।